डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज लेक्चर नंबर 60 में हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशन में हमने जब पढ़ाए थे शुरू में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बताए थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट बताने के पहले हमने वाइब्रेशन को डिवाइड किया था, तो तीन चार कैटेगरी पे हमने इसको डिवाइड किया था, तीन चार तरीके से। पहला तो था आपका फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, दूसरा था डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड, तीसरा था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक और हम वीडियो आपको बना चुके हैं, लेक्चर नंबर 35 इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो बेसिकली कहीं पर भी मैकेनिकल एलिमेंट का, मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स का यदि मोशन हो रहा है तो उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो ये यही है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ ऑल आइटम्स, ऑल एलिमेंट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम एट एनी गिवेन टाइम। तो नंबर ऑफ मास, जनरली हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मास देख लीजिए, यदि नंबर ऑफ मास 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है, 90% केसेस में मैकेनिकल वाइब्रेशन में सही है लेकिन हमेशा सही नहीं है। जैसे ये टोर्सनल सिस्टम में आप देखेंगे तो एक तो ट्विस्टिंग है, यदि सिर्फ यहाँ पर टोर्सन है तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। लेकिन टोर्सन के साथ साथ इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी आ जाए, ठीक है ना, वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन भी करने लगे, तो यही क्या हो जाएगा, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, एक्स वाई और ये थीटा, पोलर और कार्टेजियन दोनों हो गया। यहाँ पर क्या है, डिफाइन करने के लिए सिंगल डायरेक्शन की जरूरत पड़ी है, सिंगल एक्स की जरूरत है आपको, यहाँ भी सिर्फ एक्स की जरूरत है इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो इन दिस केस इट इज हैविंग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट इफ देर आर टू मास, देर आर टू मास, यदि इस पर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो भी इसके अंदर मोशन होगा, तो भी इसके अंदर मोशन होगा। यदि इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, सिर्फ इसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो भी इसके अंदर भी मोशन होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी है। दैट मीन्स कि इसको भी डिफाइन करने के लिए अलग कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको डिफाइन करने के लिए अलग कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसीलिए यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। दो मास है तो दो इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो जनरली टू डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने आपको बताया था कि हमेशा ध्यान दीजिए कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी आपको, कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक और तरीका हमने आपको बताया था, अभी फिर मैं बता देता हूँ कि जनरली मैकेनिकल वाइब्रेशन में आप क्या करें, सिंपली मास देख लें, नंबर ऑफ मास यदि दो या दो से ज़्यादा है तो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम या मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मास क्या है, 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1, इक्वेशन कितने बनेंगे, 1, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मास कितने हैं, 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2, और इक्वेशन कितने बनेंगे, 2, फ्रीक्वेंसी कितने निकलेंगे, 2, ठीक है, मोड शेप कितना होगा, 2, तो सब कुछ 2, लो कुछ मत, ठीक ना। तो ये टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि नंबर ऑफ मास कितने हैं, 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि यदि सिर्फ ट्विस्टिंग है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1, लेकिन ट्विस्टिंग के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन भी है इसके अंदर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर ऑफ मास काउंट करके भी आप जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही इक्वेशन बनेगा, जितना नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उतना ही मोड शेप निकलेगा, उतना ही इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। तो अब यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई आपको डिफाइन करने के लिए दे तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यदि सिंगल मूवमेंट है तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर देखिए सिर्फ आपका एंगुलर मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
आपका लीनियर मोमेंट भी है, वर्टिकल मोमेंट और एंगुलर मोमेंट भी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, दैट इज द कोऑर्डिनेट कपलिंग। आप बस में अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा नीचे भी आता है और थोड़ा सा ऐसे मूव भी करता है, क्या मूव भी करेगा, ठीक ना? कैसे मूव करेगा, ये जो है इस तरह से मूवमेंट भी लेगा, ठीक ना, और लेता भी है। तो ये क्या होगा, ये आगे वाला जो स्प्रिंग है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा और पीछे वाला स्प्रिंग क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए कुछ इक्वेशंस अवेलेबल है, और आपको याद दिलाएं कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भले ही है, लेकिन आज भले ही ये लेक्चर नंबर 60 है, लेकिन इसके आगे जितने भी 40 से 50 आप लेक्चर देखेंगे, उस सभी लेक्चर्स में हमने इसके इक्वेशन बनाने आपको सिखाए हैं। कौन से इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो 2 तरीका है, एक जो हमने सिखाया है उससे आप सीख गए हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फ्री बॉडी डायग्राम तो अवेलेबल है ही आपके पास। फ्री बॉडी डायग्राम आप 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, हमने भी मैकेनिक्स में पढ़ाए हैं, और यहाँ मैकेनिकल वाइब्रेशन में भी जो है हमने पढ़ाए हैं। डी एलम्बर्स प्रिंसिपल जब पढ़ाए थे उस समय भी आपको पढ़ाए थे, ठीक ना? तो यहाँ पर आप ध्यान दें थोड़ा सा कि यहाँ पर इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है ना? तो ये M1 मास है, तो सिंपल हम आपको बता रहे हैं M1 किसके साथ जाता है, X" के साथ। तो यहाँ X1" हो जाएगा, फिर M1 X1" प्लस K1 X1 प्लस C1 X1" प्लस K2 और C2, ये क्या है, कपलिंग है। तो K2 X1 - X2 प्लस C2 X1 - X2 इक्वल टू F1 of T। ये क्या हो गया आपका, एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, 3 मास रहेगा तो तीसरा इक्वेशन बनेगा, ठीक ना? और इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ते जाएंगे, लेकिन कोई भी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और इसको सॉल्व करने का, जब 2 इक्वेशन होगा तो 2 इक्वेशन तो आप जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो आपको मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी सारे हमने मेथड बताए हैं, चाहे वह मैट्रिक्स मेथड हो, आइगन वैल्यूज मेथड हो, ठीक है ना, तो वो सारे इन्फ्लुएंस कोफिशियंट के मेथड हो, वो सारे मेथड्स आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। ये इक्वेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसको डेवलप किया है। अब यहाँ पर आपको याद दिला दें कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में वह कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम हमें कवर करना है। तो एक तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट फिर से देखने हैं। उसके अलावा टोर्सनल वाइब्रेशन सिस्टम में, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टोर्सनल स्टिफनेस भी हम लोग निकालना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट कपलिंग जो अभी हमने आपको बस वाले का एग्जाम्पल दिया, सेमी डिफिनिट सिस्टम, दिस इज द सेमी डिफिनिट एग्जाम्पल ऑफ सेमी डिफिनिट सिस्टम, जहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में 2 फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन बाई दी वे एक फ्रीक्वेंसी आपका 0 आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी डिफिनिट सिस्टम। इसके अलावा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर थोड़ा बहुत देखेंगे, लेक्चर नंबर 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 72, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको याद दिला दें, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इज टोटली डिफरेंट थिंग देन दी वाइब्रेशन आइसोलेशन। वाइब्रेशन आइसोलेशन इज ए सेपरेट टॉपिक, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इज सेपरेट टॉपिक, आइसोलेशन इज वन कंपोनेंट, वन आइटम, वाइल एब्जॉर्बर इज द कॉन्सेप्ट। अब ये इक्वेशन जो है, अच्छा ये इक्वेशन, ये तो लीनियर सिस्टम है, ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया। एक नहीं है मास, 2 नहीं है 3 नहीं है, एन नंबर ऑफ मास है। इक्वेशन सिमिलर बनते हैं, ये भी इक्वेशन हम आपको निकाल करके बताएंगे, बहुत ही आसान है। यदि आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए, सीक्वेंस में लेक्चर देख रहे हैं, तो मज़ा आएगा आपको निकालने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मज़ा सजा में तब कन्वर्ट हो जाता है जब आप 4 घंटा बैठकर सिनेमा तो देख लेते हैं, लेकिन हमारे वीडियोज़ को आप नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिनेमा मत देखिए, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है आपकी वीडियोज़ को देखना। इन वीडियोज़ को देखिए, सीखिए, ठीक है ना?
फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर समय मिलेगा तो देखा जाएगा सिनेमा। और सिनेमा क्या देखना है, कुछ जिंदगी में ऐसा काम कीजिए कि लोग आपके सिनेमा को देखने के लिए तरसें, आप खुद एक सिनेमा बना सकते हैं अपने जीवन का। और ये ठीक उसी तरह से यहाँ भी नंबर ऑफ मास कितना है, 4 है। एंगल ऑफ ट्विस्ट भी कितना हो जाएगा, 4 अलग अलग हो जाएगा, 4 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकल गया, 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेंगे। ठीक है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होगा ही होगा, 4 फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, 4 मोड शेप निकलेगा, 4 आइगन वैल्यूज निकलेगा, 4 आइगन वेक्टर्स निकलेगा। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। फ्रीडम सिस्टम में तो हमने आपको बताया ही, इसके अलावा जो है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में भी लेक्चर नंबर जो है आप देख पा रहे होंगे 73 to 90 में हम बहुत सारे मेथड्स को कवर करेंगे टू सॉल्व दी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम तो फिर भी जो है 2 इक्वेशन होता है, 2 अननोन होता है, जनरली हम लोग इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात करते हैं, इट्स गिव्स डिफिकल्टी, इट बिकम्स टू मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दी टू सॉल्व दी इक्वेशन। इसलिए यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। आप लेक्चर नंबर 73 to 90 में मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देख सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं, आप इसको देखें। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यदि इस वीडियो में कहीं कोई डाउट है तो लेक्चर नंबर 35 भी आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 61 देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 73 देख सकते हैं। तो ये सब लेक्चर्स हैं जहाँ पर कि इसके ओवरव्यू मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल वाइब्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन तो है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन में है, और मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला करते थे, वह भी हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। बाद बाकी मैकेनिकल वाइब्रेशन में सिंपलेस्ट तरीका जो हमने बताया है कि काउंट दी नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मास यदि 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा दोस्त, 1 और 2 तो आप बोलेंगे सर 2 होगा, नहीं, ये तीसरा भी तो मास दिख रहा है, ये भी मास है। ठीक है ना, भले ही इसकी इनर्सिया इफेक्ट और मोमेंट ऑफ इनर्सिया और ये सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन नंबर ऑफ, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। ठीक है ना, तो इसी तरह ये सभी के आप सोचें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना निकला, क्वेश्चन नंबर 4 का इतना निकला, क्वेश्चन नंबर 6 का इतना निकला, एंड नाउ लेट मी डिसाइड विच वन इज करेक्ट। तो मैं करेक्ट आंसर आपको डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर देखें, फिर आपके दोस्त लोग आपस में डिस्कस करेंगे, खुद ही बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन जरूर दें। तो आज यहीं तक, वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो। और आप जो है, आपका अपना एक वेबसाइट है मैकेनिकल पंडित .com, वो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, और मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक प्लेलिस्ट तो आप देख ही रहे हैं जिसमें 300 से ऊपर वीडियो अभी तक डले हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी ज़्यादा इसमें वीडियो आपको देखने मिले। आज यहीं तक, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।